हिमालय की गोद में बसा देवभूमि हिमाचल प्रदेश, जहां गर्मी के मौसम में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के पर्यटकों को इसके साथ साथ दुनिया भर से आए और विदेशों से आए पर्यटकों को गर्मी से निजात दिलाता है, वहां दूसरी ओर यह प्रदेश अपने आप में आस्था का प्रतीक है। यहां पर बहुत सारे शक्तिपीठ और बहुत सारे मंदिर हैं, जिनका उल्लेख मैं अपने ब्लॉग्स में समय समय पर करती आ रही हूँ। इस बार जिस मंदिर के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, वह हिमाचल प्रदेश के ज्वाला जी शक्ति पीठ के करीब रघुनाथ जी का मंदिर है, जो आस्था का केंद्र बना हुआ है। 1905 में जहां पर भीषण भूकंप प्रदेश में आया था, वहां एक और तो कांगड़ा का किला ध्वस्त हो गया था, लेकिन यह आस्था का प्रतीक भगवान रघुनाथ जी का मंदिर जस का तस बना रहा। हाँ, यह थोड़ा टेढ़ा जरूर हो गया है, जिसे टेढ़ा मंदिर के नाम से हम सब जानते और पहचानते हैं। हिमाचलवासी तो जानते ही हैं, लेकिन अब तो जो बाहर से आ रहे हैं वह भी इस मंदिर की आस्था को मानने और जानने लगे हैं। तो चलिए मैं इसके इतिहास पर थोड़ी सी एक नज़र डालूं। यह मंदिर वनवास काल के दौरान पांडवों द्वारा बनाया और बसाया गया था। बहुत खूबसूरत मंदिर था, लेकिन 1905 के भूकंप ने इसे थोड़ा सा जो है वो बदसूरत कर दिया। मंदिर कोई भी बदसूरत नहीं होता, लेकिन हाँ थोड़ा सा टेढ़ा जरूर कर दिया है। आप जैसे कि चित्रों में देख ही पा रहे हैं, बाहर के जो पिलर हैं वो बाद में बने थे उस मंदिर को सहारा देने के लिए, तो वो सीधे हैं, लेकिन जो मंदिर का टॉम्ब है वह थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, टिल्ट हो गया है। भूकंप आने के बाद यहाँ पर जो रघुनाथ जी की मूर्ति थी, सरकार ने उसे अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन इस मंदिर पर लोगों की आस्था बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। दिन प्रतिदिन इस मंदिर की आस्था और भी बढ़ती जा रही है। अगर आप ज्वाला जी शक्तिपीठ आते हैं तो इस मंदिर पर जाना बिल्कुल भी ना भूलें। गोरख टिब्बी होता हुआ एक रास्ता टेढ़ा मंदिर की तरफ चला जाता है। अगर मोटरेबल रोड की बात करें, जो अब बना है, पहले नहीं बना हुआ था, तो जी हाँ, नदौन रास्ते पर सड़क से होते हुए एक रास्ता टिहरी के लिए कट जाता है, उस रास्ते पर आप जाइए और वहाँ ऊपर से भी आप टेढ़ा मंदिर के दर्शन आसानी से कर सकते हैं। अपने आप में बहुत सारा इतिहास, अपने आप में बहुत सारी चीज़ों को समेटे हुआ, अपने आप में यह एक बहुत खूबसूरत इतिहास को संजोए हुए और एक पूरी विरासत को संजोए हुए यह मंदिर है। लोग यहाँ पर बहुत दूर दूर से आते हैं और दर्शन करते हैं भगवान रघुनाथ जी के। बहुत सुंदर नज़ारा ऊपर से दिखाई देता है इस मंदिर का। कहते हैं यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई नदी नहीं थी, तो जो यहाँ तपस्वी तपस्या करते थे उन्होंने यहाँ पर अपनी तपस्या से पानी निकाला था, और वह पानी नीचे की तरफ जाता है। लेकिन इसमें एक और भी है, कहते हैं कि यहाँ पर राजा अकबर जी आए थे, जो माँ ज्वाला की ज्योत को बुझाना चाहते थे। उन्होंने यहाँ से एक नहर निकाली और उस नहर का पानी सीधा उस ज्योत के ऊपर डाला, लेकिन वो ज्योत बुझी नहीं। उसके अहंकार से कुपित होकर माँ ज्वाला और ज़्यादा भड़की। जब वह यहाँ आया तो उसे यह लगा कि मैं राजा हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उसने इसी के वशीभूत होकर माँ ज्वाला जी को सोने का छत्र भेंट किया था,
उसे यह घमंड हो गया था कि इतना बड़ा इतना पैसा और कोई यहाँ पर दान नहीं कर सकता, इन्हें कोई दान नहीं कर सकता, मैं ही कर सकता हूँ। माँ ज्वाला ने उनका घमंड तोड़ा और वह छत्र पता नहीं कौन सी धातु में परिवर्तित हो गया। आज भी वह छत्र माँ ज्वाला के मंदिर में है और आज दिन तक कोई भी साइंटिस्ट पता नहीं लगा पाए हैं कि वह छत्र जो है उसकी एक्चुअल धातु कौन है। ऊपर जाने पर माँ ज्वाला के मनोहारी दृश्य तो देखने को मिलते ही हैं, साथ ही आसपास का खूबसूरत नज़ारा भी आपके मन को हर लेता है। तो दोस्तों, जब भी अगली बार आप ज्वाला जी शक्तिपीठ जाएं, तो टेढ़ा मंदिर के दर्शन माँ के साथ भगवान राम का आशीर्वाद भी प्राप्त करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के जानकारी से भरपूर अन्य ब्लॉग में। तब तक मैं इस चैनल की होस्ट और आप सबकी दोस्त शिमला ब्लॉगर दीपशिखा आपसे चाहती हूँ इजाज़त। धन्यवाद दोस्तों।